अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जमहूरी का जमूरा निकालने को तो बैठे हम। तो फिर जा कलीबा शुरू हो जाओ। नाच, नाच, नाच। शुरू हो जाओ। हलवा पकाओ। नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। और हमारे हलवे की चिंता छोड़ो, तुम तुम्हारे रोटियों की चिंता करो। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, IMF वाला भीख नहीं दे रहा है। सस्ते में आटा मिल रहा है, फौरन से लाइनें लग जाती है। लेकिन इन लाइनों में लग के कल हमने देखा कि एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। रही बात आटे की, ये प्योरली सूबाई मामला है। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी है। 6 बच्चों का बाप था वो शख्स। कपड़े बेचकर अवाम को आटा दिलाने वाले शहबाज शरीफ ने आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया। तो फिर होगा क्या? सस्ते आटे के हुसूल में के लिए लेन में लगा हुआ था, मारा पीटी हुई, झगड़ा हुआ और उस शख्स की जान चली गई। ये है जिससे के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे बढ़ेगी। फिजा खलीफा से मेरी लाख लड़ाई हो, लेकिन आज इस बंदी ने एक बात बिल्कुल सही कही है। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी सारे जाहिल पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान आजाद हुआ था, है ना अजीब सा असूल। और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों को गलत फहमी आए कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। आजाद नहीं हुआ था भैया, वो जन्मा था। हमें फख्र है इस पर। ले मेरा। तो फिजा खलीफा, पाकिस्तान की पैदाइश से और अभी तक तुमने क्या हासिल किया? हुक्मरान इकदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका और हमेशा एक बेचैनी की फजा कायम रही। तो भैया फिजा खलीफा बेचैन हो रही है। बेचैनी। तो कोई हिंदुस्तानी फुर्सत निकाल के इसकी बेचैनी दूर करके आए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। हालिया दौर की अगर मैं बात करूं तो IMF के साथ रूठने मनाने का जो खेल है अभी तक जारी है। अच्छा। और इसकी वजह से मईशत यकीनी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान को IMF के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी इसहाक़ डार साहब से IMF मुआहदे के बारे में पूछा जाता है तो इसहाक़ डार साहब जवाब देने से गुरेज करते हैं। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? आज भी जब डार साहब से IMF से मुआहदे की नाकामी के हवाले से एक सवाल कर लिया तो इसहाक़ डार साहब सीखपा हो गए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। इसहाक़ डार साहब का जो दौर है ये पाकिस्तान के लिए मईशत के हिसाब से बदतरीन दौर है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो पिछले माली साल में 1766 हुआ करती थी, वो गिरकर 1568 डॉलर रह गई है। इनके PM तो IMF के MD के चरणों में जाके गिर गए हैं। कभी सऊदी अरब से मीटिंग कर रहे हैं, उनके इसहाक़ डार अलग ही भागदौड़ कर रहे हैं। IMF से पैसा कब मिल रहा है, अगर इस पे पत्रकार सवाल कर दे तो जलवे देखो भाई साहब क्या। सुनिएगा, देखिएगा। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, ये तो इनके हाल है। तो देखा आपने, सुना आपने, हमारे वजीर खजाना साहब हैं, इसहाक़ डार साहब हैं। इसहाक़ डार साहब, आप इस मुल्क के क्या हैं? वजीर खजाना हैं। मुल्क के खजाने की कुंजी किसके हाथ में है? आपके हाथ में फिलहाल। और मुल्क में माशी बहरान है, महंगाई की लहर है, कौम दो वक्त की रोटी के हसूल के लिए डार साहब बहुत परेशान है और आपको भी पता होगा कि परेशान है। नहीं, आपका काम है कि आप इस मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते तो कौम को तसल्ली दें, उनकी दादरसी करें। आपसे एटलीस्ट जो सवाल पूछा जाए, ये सहाफी ने जो सवाल किया वो सिर्फ सहाफी का सवाल नहीं, पूरी कौम का सवाल है कि कब तक हमारे फैसले IMF करता रहेगा, कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे, कब तक लोग अपना पेट काट कर IMF की लगाई शरायत को पूरा करते रहेंगे। लेकिन ना आपके पास कोई जवाब है और ना ही कौम को देने के लिए आपके पास कोई तसल्ली है। चले तसल्ली दे देते। एक तरफ वजीर खजाना कह रहे हैं कि जी IMF के सहारे की जरूरत ही नहीं हमें, और दूसरी जानिब आज वजीर अजम शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में MD IMF से मुलाकात की है। तो अब सवाल तो पैदा होंगे, सवाल ये है कि अगर IMF नहीं मानना तो फिर इन हालात में हुकूमत का जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो होगा क्या? हुकूमत जिसको प्लान बी कह रही है वो क्या होगा, कितना कामयाब होगा और मईशत की बहाली के लिए कौन से इकदाम है जिनकी बिना पर पाकिस्तान IMF की लाठी के बगैर खड़ा हो सकेगा? अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं जी मईशत की डगमगाती जो कश्ती है वो है और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसने मुल्क को मजीद मुश्किल से दो चार कर दिए। इन बेशरम पाकिस्तानियों ने IMF को 22 बार चूना लगाया, चूना लगा दिया, अब 23वीं बार IMF चूना लगवा नहीं रहा।
अगर IMF से पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला ना तो पाकिस्तान का बैंक करप्ट होना तय है। यही तो कयामत है। इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के PM की जमहूरी हरकत तो देखो, लड़की छाता लेके बंदा खुद ही लेके चल दिया। अरे शाबाश कटोरा शरीफ साहब, वो आपके लिए लाई थी, आपको उस छाते में चलना था। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसरो और नासा की पार्टनरशिप के बारे में पाकिस्तानी हुई क्या राय है? चलते पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बदनसीबी से उन ममालिक की लिस्ट में है जहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत करते हैं लोग इंटरनेट का। फर्स्ट वीडियोस में सबसे टॉप पे हम। ये दैट्स अ फैक्ट। अगर आप इससे शर्माएं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, नहीं गलती को जो हमारी ये भी गलती है कि जो हम ये करते हैं इसे फिर एक्सेप्ट करके बेहतरी भी हम ला सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ठीक है, क्या आजकल रोल पे कर रही है अपना डेवलपमेंट के हवाले से, स्पेस में अपने किसी अचीवमेंट के हवाले से क्या काम कर रही है स्पार्को? आई थिंक इट्स अ डेड इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी शट डाउन। ठीक है, क्योंकि अ कपल ऑफ इयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके वो दे आर लॉन्चिंग स्पार्को। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से। ये चाइना से वो चाइना के साथ वो भी मिलके अपनी कोई एक भी सैटेलाइट हमारी नहीं है, हमारी कोई सैटेलाइट नहीं है। इंडिया का कोलैब भी रशिया के साथ है, इंडिया के जितने वो अपने तौर पे भी भेज चुके हैं, उनकी जो उनसे प्राइवेट कंपनीज है वो बड़ा काम कर, उन्होंने कोलैब किए पहले रशिया के साथ, उन्होंने उनके साथ टेक्नोलॉजी में जो था उन्होंने एक थोड़ी स्टडी की, उन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें और वो फिर उसके बाद दे केम ऑन देयर ओन पाथ ना कि ठीक है जी। अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? I don't know that. इसरो, ठीक है। इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US के विजिट पे गए हैं, आपको शायद आइडिया हो, बड़ी हाइप है इस चीज की। अच्छा, वो इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर वन स्पेस एजेंसी है, वो मिलके कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर वन स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की। हमारे पास वो भूख नहीं है, हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक लगे हुए हैं कि वो उसके केस खत्म कर दो, ये कानून अमेंड कर दो, ये 5 करोड़ की करप्शन होगी तो कोई पकड़ेगा। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। आप मुझे बताएं कोई आपका कोई ऐसा कमर्शियल शो हो जो आपकी यूथ को मोटिवेट करे टेक्नोलॉजी के ऊपर? ऐसे ये मतलब मेन इशू भी यही है, बात करने का मकसद भी है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ, स्पेस साइंस की तरफ, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बताया ही नहीं हमारी यूथ को जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा। दूसरे कंट्री इतनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि शायद 10 साल बाद हम अगर चाहेंगे भी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें तो वो हमें अपने साथ मिलाएंगे ना, हम मिल पाएंगे। फिक्र ना करें। चलो शुक्र है पाकिस्तान में किसी में तो दिमाग है जो थोड़ी अच्छी बात तो कर रहा है, नहीं तो जहालत दिखाने में पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अव्वल आते हैं, अव्वल। अब नंबर है आपका, आपको दो काम करने हैं। ठीक है, एक तो पाकिस्तानी को पेलते हुए मस्त कमेंट करना, दूसरा वीडियो को शेयर करना। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।